सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं भाई आप सभी लोग? होप करता हूँ सभी लोग होंगे एकदम बढ़िया। तो गाइज YZF R1M, अरे सॉरी भाई, मतलब सॉरी R15M, वो तो एक अलग ही बीस्ट है, बट हाँ ये भी कम नहीं है भाई अपने CC अपने सेगमेंट में। और भाई सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये मतलब एकदम लेटेस्ट वाला मॉडल नहीं है। लेटेस्ट वाले मॉडल में जो है कलरफुल TFT डिस्प्ले आ गया है। ये जस्ट उससे मतलब एक महीने पहले भाई ने ली थी, तो क्या कर सकते हैं भाई। ये अच्छा गलत चीज़ है कि ब्रांड को एक बार पहले ही मतलब इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि अगर कोई नया अपडेट आने वाला है मेजर, तो भाई अगर जिसको लेना है तो वो रुक जाए। तो एक नहीं तो ख़राब लगता है भाई कि मीटर जो है कलरफुल नहीं है, और भाई एक महीने बाद जो आ रही है कलरफुल मीटर है, तो वो थोड़ी सी जो है लगती है भाई। तो चलिए इसका पूरा आपको जो है डिटेल्ड रिव्यू देते हैं। तो फ्रंट में देख सकते हैं भाई काफ़ी बड़ा यहाँ पे आपको मास्क देखने को मिल जाता है। थोड़ा बारिश का टाइम है, बाइक गंदी है इसीलिए सॉरी। और ट्रांसपेरेंट आपको यहाँ पे वाइज़र देखने को मिल जाता है, यहाँ पे R15M की बैजिंग देखने को मिल जाती है, और भाई यहाँ पे LED DRLs आपको देखने को मिल जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और यहाँ पे सिंगल प्रोजेक्टर देखने को मिल जाता है, LED नाइट में आपको ठीक ठाक मतलब एक डिसेंट विजिबिलिटी प्रोवाइड कर देता है। और इस साइड आते हैं तो डेफिनेटली डुअल चैनल ABS के साथ आती है क्विक शिफ्टर। आज से पहले मैंने कोई भी क्विक शिफ्टर वाली बाइक जो है नहीं चलाई है, तो आज चलाते हैं देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है भाई। हालांकि अपनी शाइन भी देख सकते हैं वहाँ खड़ी है भाई मस्त। मैं मतलब क्लचलेस शिफ्ट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। KYB के यहाँ पे आपको अपसाइड डाउन फोक्स देखने को मिल जाते हैं, USD सस्पेंशन, तो क्वालिटी टॉप नॉच, बिल्ड क्वालिटी भी डिसेंट है, और मतलब क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है भाई, बढ़िया एकदम टॉप नॉच क्वालिटी देखने को मिल जाती है। डुअल चैनल ABS के साथ आती है। बाइबरी का आपको डिस्क कैलिपर देखने को मिल जाता है, फ्रंट में 282mm का डिस्क मिलता है, रेयर में 220mm का डिस्क मिलता है, 17 inches के अलॉयज देखने को मिल जाते हैं भाई। फ्रंट में 100x80 का टायर देखने को मिल जाता है, MRF के टायर्स हैं, ब्लू कलर के आपको कुछ ऐसे अलॉयज देखने को मिल जाते हैं 17 inches के फ्रंट और रियर दोनों में। नई वाली आई है उसमें LED आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। हेलोजन भाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मतलब बाइक के जो लुक्स को स्पॉयल करता है। और इनबिल्ट आपको हैजार्ड भी देखने को मिल जाता है, तो देख सकते हैं कुछ ऐसा लगता है भाई। और लुक्स में तो मतलब 10/10 भाई, 150 से 200 cc सेगमेंट में आई डोंट थिंक इससे बेटर कोई लुक्स वाली बाइक जो है आती भी होगी। और अब आते हैं इस साइड, तो फ्लैशर कर देते हैं ऑफ। टैंक की बात की जाए तो 11 लीटर्स का फुल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है, और काफ़ी बढ़िया मतलब 40 से 45 KMPL का आपको माइलेज दे देती है, और ज़्यादा भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है आपके राइडिंग कंडीशन पे। तो इस पावर के साथ ये माइलेज का जो कॉम्बिनेशन डेडली है ना, तो वो सिर्फ यामाहा ही आपको दे सकता है। और एक एक छोटी छोटी डिटेल्स देखिए भाई, मतलब बस ये एक चीज़ लगती है कि इसमें आपको जो है वेव की देनी चाहिए थी सिंपल की, यामाहा आपको चिपका के दे देता है, इतने पैसे पे करते हैं तब भी। प्राइस की बात है जिसकी बाइक है, अभी मैं लास्ट में आपको पूछ के वो भी बता दूंगा कि भाई ने कितने की ली थी। और R15M का यहाँ पे आपको टैंक पर 3D लोगो देखने को मिल जाता है, और फिट एंड फिनिश टॉप नॉच। और ये जो ब्लू कलर्स के ये देख रहे हैं जो सस्पेंशन पे कवर लगे हुए हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा एक रिच फीलिंग देते हैं बाइक को। मीटर तो फुल्ली डिजिटल मीटर देखने को मिलता है, RPM रेंज, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, गियर पोजिशन इंडिकेटर, टाइम देखने को मिल जाता है, फ्यूल गेज, रियल टाइम माइलेज, और भी मतलब भाई मीटर एक बार हाथ से ही क्लियर करना पड़ेगा। और जो लेटेस्ट वाली आई है उसमें आपको जो है कलरफुल TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है जिसकी कोई भी ज़रूरत है नहीं मैं समझता हूँ। डुअल चैनल ABS जैसा कि मैंने कहा ऑलरेडी, और दो मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं जिसको आप अगर मैं कहूँ तो भाई टॉगल भी कर सकते हैं। तो मोड्स में हालांकि कोई पावर का चेंज नहीं है, बस ये है कि आपको अगर जो इसका ट्रैक मोड उस पर जाते हैं तो पूरा आपको जो है एक एक टाइमिंग, लैप टाइमिंग सब कुछ दिखाएगा, और कूलेंट टेम्परेचर सब दिखा देता है भाई। स्विचेस की बात की जाए तो हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न की स्विच, हॉर्न डुअल हॉर्न मिलता है तो लाउड है, काफ़ी बढ़िया है। और यहीं से आपको इंटीग्रेटेड इंजन किल और इग्निशन के स्विच देखने को मिल जाती है, यहाँ से हैजार्ड के स्विच, और यहाँ से एक बटन दिया गया है ऐसे स्विच जिससे आप पूरा इसको टॉगल कर सकते हैं। TCS ऑन है आई थिंक, अगर TCS मैं ऑफ करना चाहूँ तो ये देखिए अभी ट्रैक मोड पे आ गई, और TCS
अगर देर तक प्रेस करके रखते हैं तो ये देखिए टीसीएस जो है ऑफ हो गया। अगर टीसीएस ऑफ हो जाएगा तो यहाँ पे जो है लाइट जल जाती है टीसीएस की, ट्रैक्शन कंट्रोल जो है इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है भाई, इतना पावर ही नहीं है कि आपको बहुत ट्रैक्शन कंट्रोल की ज़रूरत पड़े। और साइड में देख सकते हैं यहाँ पे आपको पूरा जो है सिल्वर और ब्लैक और ब्लू में जो है कॉम्बिनेशन एकदम डेडली लगता है। हेलमेट पहन के चलाइए भाई, ट्रिपलिंग भी किया हुआ है गलत बात है। R15M का यहाँ पे आपको साइड में स्टिकरिंग देखने को मिल जाता है क्विक शिफ्टर का, यहाँ पे फिर से एक बार जो हाईलाइट किया गया है। और रेयर में मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं भाई। रेयर अगर रेयर टायर्स की बात की जाए तो 140 सेक्शन का आपको रेयर टायर मिलता है और रेडियल टायर से। तो लीन करिए, कॉर्नर करिए, अभी चलाते हैं देखते हैं भाई। हालांकि इससे जस्ट पहले अभी मैंने V3 का वीडियो डाला है, पूरी मॉडिफाइड थी वो, करीब उसको 20,000 प्लस के मॉडिफिकेशन हुए हैं, तो वो वीडियो भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। और रेयर में आते हैं, रेयर में कुछ इस तरीके का आपको टेल लाइट देखने को मिल जाती हैं और 220mm का डिस्क रेयर में, टायर हगर और मडगार्ड सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और भाई कंफर्ट देखा जाए तो कंफर्ट के लिए नहीं है, जैसे कि मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ कार्बन फाइबर डिज़ाइन में आपको सीट्स देखने को मिल जाते हैं पिलियन के लिए, मतलब एकदम भाई चढ़ के बैठिए ऊपर। और यामा कनेक्ट के साथ आती है तो अपना फ़ोन जो है इसके ऐप के थ्रू, मतलब ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है फ़ोन या मैसेज आएगा तो उस पर मीटर पर शो कर देगा। और गाइस इंजन की बात करें तो वही 155cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 4 वाल्व का SOC सेटअप का लिक्विड कूल 6-स्पीड गियरबॉक्स का FI इंजन मिलता है, जो पावर प्रोड्यूस करता है भाई 18.4 PS की 10,000 RPM पे एंड 14.1 Nm का टॉर्क 7,500 RPM पे सिर्फ 142 kg का कवरेट के साथ। तो इस सेगमेंट के हिसाब से पावर टू वेट रेशियो बहुत अच्छा है और 170mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिल जाता है। तो भाई बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं इसको राइड करते हैं। और क्विक शिफ्टर काफ़ी सही काम कर रहा है। राइडिंग पोस्चर की बात की जाए तो एग्रेसिव है, बट हाँ V3 से मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि अभी V3 मैंने एक फ्रेंड की जो है अभी 2-3 दिन पहले ही राइड की थी, उसका कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव था भाई, बट इसका मुझे जो है कहीं ना कहीं सही लग रहा है। और भाई अगर आप 5000 के नीचे चल रहे हैं तो बहुत मतलब लगता है कि एक 150cc की बाइक चला रहे हैं, लेकिन जैसे ही अगर आप रेयर ड्रॉप करके 7000 RPM के ऊपर जाते हैं तो एकदम जो है अग्रेसिव हो जाती है। और क्विक शिफ्टर बहुत स्मूथ काम कर रहा है भाई, ये काफ़ी चीज़ मतलब सही चीज़ है। इसकी अभी ऑन रोड प्राइस की मैं बात करूँ वाराणसी में तो करीब आपको 2,30,000 देखने को मिल जाती है, और प्राइस जो है भाई वो वेरी करता है डिफरेंट सिटीज़ एंड स्टेट्स में। ब्रेकिंग की बात की जाए डुअल चैनल ABS आता है और ब्रेकिंग जो है टॉप नॉच ब्रेकिंग। आप कितने के भी स्पीड से रहिए, आप 130-140 आप जस्ट ब्रेक्स जो है टैप करते हैं और पूरी बाइक जो है आपके कंट्रोल में आ जाती है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊं कि अगर मैं थर्ड और फोर्थ गियर में हूँ 6 या 7 के स्पीड से, तो यहाँ से भी थोड़ा सा नॉक कर रही है लेकिन बाइक जो है उठ जा रही है। और सस्पेंशन गड्ढों में सस्पेंशन डिसेंट है, बहुत ज़्यादा स्टिफ भी नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं। स्लीपर क्लच है, क्लच जो है क्लच का जो फीलिंग है बहुत सॉफ्ट है। और आप अग्रेसिव डाउनशिफ्ट भी करते हैं भाई तो रियर व्हील स्किट नहीं करेगा, स्लीपर क्लच है। और एकदम देखिए प्रॉपर गड्ढों में आपको दिखा रहा हूँ, रियर का जो सस्पेंशन है वो थोड़े से स्टिफ लग रहे हैं, फ्रंट का जो है ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे। USD KYB के सस्पेंशन है भाई, मजाक नहीं है। मनूवर करना है सिटी में आराम से कर सकते हैं, थोड़ा सा रोड ख़राब है अभी इसलिए बहुत ज़्यादा जो है तेज़ नहीं चल रहा। इसका आपको प्रॉपर जो है एक गियर चैलेंज राइड रिव्यू भी मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। 140 सेक्शन का टायर है और ज़बरदस्त, आपको कॉर्नर करिए लीन करिए एकदम तगड़ा कॉन्फिडेंस देते हैं भाई, मतलब एकदम वर्थ इट मैं कहूँगा। थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी सही है भाई और कॉन्फिडेंस इतना दे रही है ना कि बस लेके इसको मैं कहीं से भी घुस जाऊं। हाय 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 हाय, ऐसे इंजन्स होते हैं ना, मतलब खुद कहते हैं भाई कि मुझे भगाओ, तो भाई अपन भगाते हैं।
और माइलेज भी आपको काफ़ी बढ़िया दे देती है भाई, इतने सब कुछ करने के बावजूद भी आपको 40-45 प्लस आराम से माइलेज दे देती है, तो और क्या चाहिए भाई इंडिया में। सबसे मेन चीज़ जो मैटर करती है भाई इंडिया में माइलेज है, तो इतने एक डिसेंट पावर के साथ आपको बढ़िया माइलेज मिल रहा है तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हाँ ये है कि बहुत ज़्यादा देर तक राइड करते तो जो सीट्स है मुझे अभी से थोड़े स्टिफ लगने लगे हैं, अभी मैंने इसे करीब जो है 10-15 किलोमीटर राइड किया होगा। और कंफर्ट हालांकि बहुत ज़्यादा आप इसमें नहीं ढूंढिए तो मैं अच्छा ही कहूँगा, मज़ा लीजिए बस, ऐसी बाइक्स को जो है मज़ा लिया जाता है, कंफर्ट उतना नहीं ढूंढा जाता है। कंफर्ट चाहिए पावर के साथ तो बजाज की तरफ जाइए, RS NS N, आपको बढ़िया कंफर्ट के साथ बढ़िया पावर मिलेगा। बट यही है, उतना बढ़िया माइलेज वो इंजन की रिफाइनमेंट रिलायबिलिटी जो ये दे पाएगी वो नहीं दे पाएंगे। जो क्वालिटी इसमें आपको और सब कुछ फीचर्स भाई, क्विक शिफ्टर, तो पता नहीं क्या क्या आपको देखने को मिलता है, तो मज़ा आ जाता है भाई। क्रूजिंग आराम से 100-110 करिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, सिटी में एकदम तगड़ा भाई, देख रहे हैं, मनूवर करिए, खेलिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और तो चलिए भाई इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई, ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा गाइस, तुरंत एकदम सुपर स्पोर्ट पोस्चर से, इतने अग्रेसिव पोस्चर से एकदम रिलैक्स्ड पे आ जाइए तो थोड़ा सा अजीब लगता है। और भाई जापानीज़ इंजन्स की बात ही अलग होती है, स्मूथ पावर सब कुछ आपको मिलता है। और यही देख लीजिए भाई, हाय 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 भाई, मेरे में तो ड्रम है, अभी ABS चला के आ रहा हूँ, भाग तो रही है लेकिन रुक नहीं रही है, ऐसा फील हो रहा है। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे भाई कि शाइन कहाँ है, शाइन कहाँ है अपनी, तो अपनी शाइन है भाई ये, तो अभी तो नहीं भाई, अभी तो थोड़ा टाइम लग रहा है। चैनल वाले भाई सब्सक्राइब करिए, कुछ पैसे वैसे आए तो एक कम से कम थोड़ा अच्छी बाइक जो अपग्रेड किया जाए, नहीं तो फिलहाल तब तक ये तो अपनी साथ दे ही रही है भाई मस्त।